नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टमेंट और लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए WMS चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज रिलायंस शेयर के बारे में, जो आज भारी गिरावट देखने को मिला है। इसके पीछे दो बड़े रीजन है, इसके पीछे दो बड़े कारण है। इसके पीछे दो बड़े कारण क्या है वो हम चलिए देखते हैं। दो बड़े कारण क्या हो सकते हैं जो आज भारी गिरावट देखने को मिला और मिल सकता है आने वाले टाइम में। आपको पता है कल क्वार्टर वन का रिजल्ट आने वाला है रिलायंस में, तो ये क्या इंडिकेशन शो कर रहा है आज का जो गिरावट इंडिकेशन शो कर रहा है, मतलब को जो कल का रिजल्ट आने वाला वो अच्छा रिजल्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट जो बता रहा है रिलायंस का जो क्वार्टर वन का रिजल्ट है वो अच्छा नहीं हो सकता। क्यों नहीं अच्छा हो सकता वो सब जानते हैं, COVID-19 की वजह से रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है। बट ये दिग्गज कंपनी है, इसमें आप मेरा राय तो यही रहेगा, इसमें 50% आपके पास शेयर है तो इसमें आप सेल आउट करो और 50 मतलब बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग करो और 50% आप इसमें होल्ड करके रखो कि लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अब चलते हैं, बिग न्यूज क्या है, क्या क्या हम बात करने वाले हैं दो ऐसे बिग न्यूज के बारे में। चलते हैं वेबसाइट पे, दो बड़े ब्रोकरेज हाउस CLSA और एडलवेस ब्रोकरेज ने इस रिलायंस को डाउनग्रेड कर दिया है। डाउनग्रेड बोलने तो उनका जो टारगेट प्राइस है उनको रिड्यूस करके बोल दिया है। एडलवेस का जो टारगेट प्राइस है 2105 कर दिया, और वो भी अगस्त तक के, मतलब 2021 फाइनेंशियल ईयर तक का इन्होंने जो टारगेट प्राइस उन्होंने जो रखा रखा है, इंक्रीज करके टारगेट प्राइस उन्होंने रखा है 2250, ठीक है। अब उसके बाद अब आता है फिर उसके बाद आता है द शेयर इंक्रीज 2.5 टाइम्स मार्जिन लेवल में, तो क्या कितना बड़ा हो सबके बारे में दिया हुआ। लेट्स नो रियल स्टॉक इंक्रीज द मोर देन 2.5 टाइम्स, मतलब इतना बढ़ गया था, इतने से 876 से इतना क्यों बढ़ गया, तो आपको पता है इतने बड़े सारे न्यूज आया था कि गूगल ने इन्वेस्ट किया, फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट किया, अमेजन भी इन्वेस्ट करने वाला है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आया थे उसके वजह से, न्यूज की वजह से ये जो क्रिएट किया गया, और आपका राइट इश्यू आया था उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस था रिलायंस का बहुत अच्छा था। बस जहां तक देखने को मिल रहा है आने वाले टाइम में इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी, वो आज का एक ट्रेलर था। कल देखिए कल कितना गिरावट हो सकता है, और आपको पता है रिलायंस के अंदर रिलायंस अपने आप में इतना दमखम रखता है Nifty 50 को नीचे गिराने में, क्योंकि इसका जो वेटेज है Nifty 50 बहुत अधिक है। अब इसका जो पी रेशियो करेंट में, इसका जो पी रेशियो 47.2 है। अब आता है CLSA रिपोर्ट परफॉर्मेंस, CLSA के क्या है, CLSA ने क्या बोला है, मार्च 2022 तक इसका जो इसने टारगेट प्राइस दिया है 2250 रुपए, ठीक है। CLSA का रिपोर्ट है, CLSA ने बोला है इसका जो आने वाले मार्च में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसका जो टारगेट प्राइस है 2250 रुपए हो सकता है, ठीक है। देखिए ये अपना सबका सबका ब्रोकरेज हाउस का ओव्यू होता है कि कितना जहां कहां तक जा सकता है, बट इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस होते हैं ये अपना डेटा शेयर करते हैं, पब्लिकली करते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। इसके पीछे इन्होंने क्या रीजन बताया, इसके पीछे इन्होंने रीजन बताया है रिटेल वॉज इन बैड शेप ड्यू टू लॉकडाउन। इन्होंने बताया कि जो रिलायंस का रिटेल सेक्टर है COVID-19 की वजह से वो बहुत बैड बहुत खराब हुआ है, और उनका जो दूसरा रीजन उन्होंने बताया इनका जो ऑयल रिफाइनरी का काम है, जो ऑयल रिफाइनिंग का वर्क है, इसमें बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि आपको पता है जब लॉकडाउन की वजह से लोग आना जाना बंद, गाड़ी के यूजेस कम हो गए, तेल के खपत कम हो गई, ठीक है, ये सब चीजें आप समझ सकते हैं, तो इसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा कल के क्वार्टर वन के रिजल्ट में। चलते अब हम बात करते हैं रिलायंस के फंडामेंटल पे, रिलायंस का फंडामेंटल दैट मींस टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं, वहां पे क्या इंडिकेशन शो कर रहा है। हम आ गए रिलायंस के चार्ट पे, 3 आवर का मैंने चार्ट लगा रखा है, यहाँ पे देख रहे हैं 3 आवर में जो आज सेलिंग हुआ है बहुत दबा के हुआ है, यहाँ पे कोई वो नहीं है, मतलब कोई जो अब मैं यहाँ वैल्यूम का लगाया है और RSI लेवल लगाया है, MACD लगाया है, ठीक है। RSI देख रहे हैं इसमें 56.15 है, ठीक है, 56.15 इंडिकेट कर रहा है। अब इसका जो नेक्स्ट लेवल, आपको पता है टेक्निकल में लेवल डिफाइन करता है इसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा, इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा 2000 के आसपास होगा, फिर उसके बाद आएगा 1985, फिर 1950, फिर 1900, इसका ये लेवल है, फिर लास्ट में जो आएगा 1965 पे आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा 1920, ये इसके लेवल डिफाइंड है,
कि ये लेवल वाइज चलेगा। ठीक है, अब कल का लेवल क्या है, कल का जो लेवल है डिफाइन करता है, कल का जो लेवल है 2000 तक आ सकता है, 2030 से लेके 2000 तक का कल गिर सकता है, कल टूट सकता है। ठीक है, तो इसमें आप अलर्ट रहिए। आपको ये न्यूज अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।